Hey, what's up, guys? This is उज्जल कुमार सेन एंड यू वॉचिंग उज्जल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्या बात करने वाला हूँ, आपने हेडिंग तो देख लिया होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपको करना क्या चाहिए जब स्टडी करने का मन ना करे? ये अक्सर तभी होता है जब आप पढ़ पढ़ के थक चुके होते हैं या फिर आपके माइंड में कुछ और बात आती है। तो उस टाइम कुछ जरूर ना करें, सोशल मीडिया बिल्कुल ना खोलें, मोबाइल खोल के दोस्तों से चैट बिल्कुल ना करें। वो टाइम वो स्टेज है, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आगे आपको मैं 10 ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको बहुत काम करेगा इन फ्यूचर, प्लस लास्ट में चीज बताऊंगा जो मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा लगभग बताते रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को बताया है, मैंने खुद अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करा है और मेरे को उस चीज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट से। पहली बात, अगर मान लो आपको ऐसा सिचुएशन आता है तो पहले क्या करो, थोड़े से जोर जोर सांस लो। उससे क्या होगा, आपके अंदर ऑक्सीजन फील होगा और आप थोड़े से एनर्जेटिक फील करोगे, राइट? ये जब भी आपको थोड़ा सा ना वोमिटिंग टाइप का लगे, तब भी आप जोर जोर से ब्रेथ लेके ना वोमिटिंग को रोक सकते हो। ये फुल प्रूफ प्लान है। फर्स्ट, सेकेंड हम बात करते हैं ईट फ्रूट्स, जितने भी हो सकता है फ्रूट्स खाओ, मतलब एप्पल वगैरह आप ले सकते हैं, ग्रेप्स वगैरह ले सकते हैं, ग्रीन टी आप पी सकते हो, लेकिन जंक फूड मत खाओ। जंक फूड से आपका प्रॉब्लम करेगा, पेट खराब होते हैं और भी बहुत सी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो ये चीज आप बिल्कुल करो। थर्ड, अगर आप सही में क्या हो, सही में अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो तो ये सारा चीज करने का जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या करो, आप चुपचाप सो जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको पावर नैप बोलते हैं। आधा घंटा सो लो, 1 घंटा सो लो, उससे क्या होगा देखना। ये जो सोगे ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी। तो ये सोने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, फ्रेश फील करोगे, ऐसा आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ होगा, राइट? तो आप थोड़ा सा सो जाओ अगर आपके पास बहुत ज्यादा टायर्ड हो और थोड़ा टाइम भी है, राइट? अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, रिविजन व्हाट यू लाइक द बेस्ट। ये मेरा फेवरेट है। मैं अपना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स शुरू से रहा है। जब मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हूँ पढ़ता हूँ और मुझे बोरिंग फील होता है, तो मैं क्या करता हूँ, थर्मोडायनामिक्स निकाल लेता हूँ और रिविजन करता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा वो सब्जेक्ट और स्ट्रांग होता है और मेरे टाइम खराब नहीं होता है। फिफ्थ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप घर से दूर रहते हो, डेफिनेटली बहुत सारे होंगे, 80% 90% स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, जब ग्रेजुएशन करते हैं घर से दूर रहते हैं, दूर रह के प्रिपरेशन करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने दीदी से, अपने भाई से बात कर सकते हो। जब अपने क्लोज किसी बंदे से हम बात करते हैं तो क्या होता है, अपना जो टायर्डनेस होता है दूर हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, घर आने के बाद बहुत मजा आ गया, बहुत प्रॉब्लम चला था बाहर, तो ये सिचुएशन जरूर सबके साथ होता है, तो आप इस चीज को भी बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट, अगर जैसे स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं क्लीन नहीं करता, अपना स्टडी डेस्क क्लीन नहीं करते हैं, रूम क्लीन नहीं करते हैं, ऐसे पड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे मैंने देखा हुआ है इस चीज को, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा टायर्ड फील हो रहा हो, बोरिंग फील हो रहा हो, तो क्या कर सकते हैं आप, फिजिकल वर्क टाइप का ये काम होता है, बेसिकली फिजिकल वर्क ही बोल सकते हैं इसमें, लेकिन इसके बारे में और बताऊंगा आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, रूम क्लीन कर सकते हैं, पोछा मार सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेंगे और आप थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। उसके बाद आप नहा लो और अच्छा फ्रेश कर लोगे, फ्रेश फील करोगे, राइट? नेक्स्ट, वॉच मोटिवेशनल वीडियोस। देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मैंने पहले बता चुका कि वीडियो बनाया था, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो आप देखो सिर्फ सिर्फ सीखने के लिए, आप उसमें टाइम पास या मजे मत लो, राइट? मजे लेना चाहिए लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में लो, राइट? इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद क्या करो, आप कुछ चीजें अपने माइंड में सेट कर लो कि हाँ, इस चीज को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, राइट? नेगेटिव चीज को बिल्कुल मत लो। इसलिए मैं बोलता हूँ क्या, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अगर आपके आसपास नेगेटिव पीपल है तो हो सकता है तो उनसे दूर रहो, बिकॉज वो आपको इन फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हार्मफुल होगा। अगर हो सकता है स्टे अवे, राइट? इग्नोर देम और स्टे अवे। अगर कुछ बोलते हैं वो सुन के भी ना सुना ऐसा रखो, अपने माइंड को उनसे दूर रखो, ये बहुत काम का है। नेक्स्ट, अगर ये सबसे भी काम नहीं चला, आप क्या करो, थोड़ा सा घूमने बाहर चले जाओ, पुशअप लगा लो, या फिर अपने सीढ़ी तो होंगे, सीढ़ी में चल लो 1-2 बार, काम आपका बन जाएगा, राइट? इससे ही फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा, आपके बॉडी में एनर्जी आ जाएगा और आप टायर्ड या फिर बोरिंग फील नहीं करोगे। टायर्ड तो टायर्डनेस तो जाता नहीं बेसिकली। और उसके बाद क्या करो, थोड़ा ज्यादा अगर कसरत कर लिया आपने, एक्सरसाइज कर लिया, तो आप क्या करो, नहा लो, उसके बाद तो ये बहुत स्पेशल है।
मैं जब भी बोर फील करता हूँ या फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो क्या करता हूँ, मेरे स्पेशल सॉन्ग्स, या तो बहुत सैड सॉन्ग सुनता हूँ या तो बहुत जोशीले वाले सॉन्ग सुनता हूँ, हिंदी वाला या फिर जो लैंग्वेज बाकी मेरे को आते हैं वो वाला। तो आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, उससे क्या होगा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन जो मैंने बताया था आपको लास्ट में कुछ ऐसा बताऊंगा जो मेरा फेवरेट है, वो क्या है, वो ये है, देखो आपके सामने ही है, फाइंड आउट अ रीजन। जब तक आपके पास एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, आप तब तक सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करोगे। तो आप क्या करो, फाइंड आउट अ रीजन टू डू एनी जॉब। होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। बाय बाय।